Good morning everyone. Uh, yesterday we had completed our page number 18 uh, and read about uh, celebration of DAV school and their six houses. Now let us proceed further and we'll continue from the first festival uh, Ganesh Chaturthi that was done by the Hans Raj house. So now start our reading. The house captain narrated that Ganesh or Vinayak Chaturthi is dedicated to the birth of Lord Ganesh the god of good beginning, knowledge, success, wisdom, and remover of obstacles. The festival is celebrated in the month of August and September, mainly in Maharashtra and South India. The curtain rose to show people buying idols of Ganpati. The images were then taken home, worshipped with kumkum, flowers, fruits, and sweets. So, first of all, you should know about Ganesh Chaturthi. गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं गणेश जी का जो बर्थ हुआ था जिस दिन उस दिन को हम गणेश चतुर्थी के उसमें मनाते हैं तो इनके बहुत सारे नाम हैं लम्बोदर है विनायक है गणेश है ठीक है तो इनके ऊपर बहुत सारी शॉर्ट मूवीज भी हैं बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होंगी ओ माई फ्रेंड गणेशा लाइक दैट तो अब हम इनके इस पैसेज में बताया गया है कि जो हाउस का जो कैप्टन था जिन्होंने ये प्रेजेंट किया था गणेश चतुर्थी हंसराज हाउस का कैप्टन वो गणेश जी के बारे में बताता है गणेश चतुर्थी के बारे में बताता है कि ये जो फेस्टिवल है ये लॉर्ड गणेशा के बर्थ बर्थ को डेडिकेटेड है यानी कि उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इन्हें जो है नॉलेज का एक अच्छी बिगनिंग का सक्सेस का विजडम का और हमारी कठिनाइयों को रिमूव करने का जो है गॉड भी माना जाता है उसके बाद है द फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ अगस्त और सेप्टेंबर इनका जो फेस्टिवल है ये गणेश चतुर्थी तो ये अगस्त या सेप्टेंबर के महीने में आता है और मेनली जो है महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में इसे मनाते हैं उसके बाद बताने के बाद कैप्टन के बताने के बाद इतना फिर जो है पर्दा उठता है और लोगों को क्या दिखाया जाता है कि लोग जो हैं गणपति जी की जो हैं आइडल्स हैं मूर्तियां हैं उसे खरीद रहे होते हैं द इमेज़ वर दैन टेकन होम उसके बाद उन इमेज़ को उन आइडल्स को जो है घर लेके जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं कुमकुम -कुम से फ्लावर से फ्रूट से और स्वीट से उनकी पूजा की जाती है आफ्टर द सेलिब्रेशन द इमेज वर टेकन आउट इन अ प्रोसेशन फॉर विसर्जन विसर्जन मीन्स इमर्जन इन टू अ रिवर और सी ठीक है इसे विसर्जन बोलते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज द चिल्ड्रन चैंटिड गणपति बपा मौर्यावर्षी लौकर्या तो इसका मतलब है फादर गणपति कम अगेन सोन नेक्स्ट ईयर इस लाइन का जो मीनिंग है ये है तो सेलिब्रेशन के बाद आफ्टर अबाउट एट और टेन डेज तो क्या होता है इन्हें सेलिब्रेट करने के बाद उनकी पूजा करने के बाद जो उनकी इमेजेस होती हैं गणपति जी की उन्हें एक प्रोसेशन के थ्रू प्रोसेशन मतलब एक जुलूस या शोभा यात्रा के द्वारा उनका जो है विसर्जन किया जाता है किसी नदी में या समुन्दर के समुंद्र में तो वहाँ जाकर जो है उनका विसर्जन विसर्जित कर दिया जाता है उनके आइडल्स को और जो बच्चे हैं वो क्या गाते हुए जाते हैं वो इन्जॉय करते हैं और वो गाते हुए जाते हैं गणपति बप्पा मौर्या पुट्या वर्षी लौकर्या यानी उनकी लैंग्वेज है तो इसमें वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि गणपति जी आप नेक्स्ट ईयर फिर से हमारे जो है घर आना कम टू द डू यू नो द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मेड गणेश उत्सव अ पब्लिक सेलिब्रेशन बाय इनकलिंग अ प्राइड फॉर इंडियन कल्चर म्यूजिक पोइट्री एंड डांस तो हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनमें से एक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उन्होंने हमारी जो इंडियन कल्चर है उस इंडिया का म्यूज़िक है पोइट्री है और डांस है इन्हें एक गर्व के रूप में प्रतीक मान मानते हुए इन्हें जो है एक पब्लिक सेलिब्रेशन बनाया था इस फेस्टिवल को किसे गणेश चतुर्थी को ठीक है तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेलिब्रेशन पे आते हैं नेक्स्ट सेलिब्रेशन है नवरात्रि दैट वाज डन बाय द दयानंद हाउस ओके तो फर्स्ट जो था हमारा गणेश चतुर्थी वो किया था हंसराज हाउस ने और जो नवरात्रि का फेस्टिवल है वो प्रेजेंट किया था दयानंद हाउस ने तो अब हम दयानंद हाउस का पढ़ेंगे क्या कैसे उन्होंने नवरात्रि सेलिब्रेट की तो नवरात्रि के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा नवरात्रि जैसे कि नाम से ही क्लियर है नव नव का मतलब नौ और रात्रि का मतलब रातें तो नौ रातों को जो है नौ रातों के रूप में जो इसे मनाते हैं इसे इसीलिए नवरात्रि कहा जाता है कि नाइन डेज़ और नाइन नाइट्स जो है माँ दुर्गा की पूजा की जाती है उनके नौ रूपों की पूजा की जाती है इसीलिए इसे जो है नवरात्रि कहा जाता है ठीक है आप जानते होंगे माँ दुर्गा के जो नौ रूप हैं और जो नवरात्रि है इसे भी एक शुभ काम करने के लिए कोई नया काम करने के लिए जो है इसे भी शुभ माना जाता है अच्छा माना जाता है नौ रातों नौ ही क्यों है ये क्योंकि जो माँ दुर्गा है उनके नौ रूप हैं और इन दिनों में इन नाइट्स में जो है माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है ठीक है तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया दयानंद हाउस ने द नवरात्रि सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात वॉज प्रेजेंटेड विद गरबा एंड डांडिया रास द गर्ल्स वर ड्रेस्ड इन घाघरा चोली ओडनी एंड द बॉयज वॉर धोती कुर्ताज तो इसमें बताया है कि नवरात्रि का जो सेलिब्रेशन है वाज uh, ऑफ uh, uh, गुजरात वाज प्रेजेंटेड विद गरबा गुजरात ने जो गुजरात जो था उसने गरबा और डांडिया रास करके जो है इसे सेलिब्रेट किया द गर्ल्स वर ड्रेसड इन घाघरा चोली ओडनी तो लड़कियों ने क्या पहना था घाघरा चोली और ओढ़नी ओढ़नी होता है दुपट्टा घाघरा आपको पता ही है लॉन्ग स्कर्ट टाइप होती है और चोली लाइक ब्लाउज ठीक है एंड द बॉयज़ बॉयज ने पहनी थी धोती एंड कुर्ता लाइक जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो साथ में घाघरा चोली और ओढ़नी एंड धोती कुर्ता आपको दिखाई दे रहा है और डांडिया होते हैं गरबा तो है जो गुजरात का जो है फोक डांस भी आप कह सकते हो गरबा लाइक एंटी क्लॉक वाइज़ एंड क्लॉक वाइज़ जो है नाचते हैं ये गोल गोल घूम के तो इसे जो है गरबा बोला जाता है और ये जो है गुजरात का फोक डांस है ठीक है फोक डांस डांस क्या होता है फोक डांस होता है वहाँ का जो है पर्टिकुलर डांस किसी पर्टिकुलर एरिया का स्पेशल जो डांस है उसे हम गुजरात का ये स्पेशल डांस है इसे गरबा कहा जाता है और डांडिया क्या होता है डांडिया होते हैं दो डंडे सेम साइज़ में और फुली डेकोरेटेड ठीक है दोनों हाथों में लेकर वो अपने पार्टनर के साथ जो है इसे बजाते हुए जो है डांस करते हैं तो फिर उसे बोलते हैं डांडिया रास ठीक है आपने देखा होगा नवरात्रि में तो इस तरह से उन्होंने जो है ड्रेसअप थे वो यानी कि लड़कियों ने घाघरा चोली ओढ़नी पहनी हुई थी और बॉयज़ ने धोती कुर्ता और वो इस तरह से गरबा और डांडिया रास करके जो है सेलिब्रेट कर रहे थे द नरेटर एक्सप्लेन नरेटर ने एक्सप्लेन uh, किया नवरात्रि सेलिब्रेटेड फॉर नाइन नाइट्स एंड गॉडेस दुर्गा इज़ वर्शिप्ड द पीरियड इज़ कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स इट इज़ सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर इन सम प्लेसिस पीपल वर्शिप यंग यंग गर्ल गर्ल्स as goddess durga and offer them puri halwa chane and other gift on the eighth day ashtami so in this passage we read about narrator ne explain kiya ki navratri jo hai no raton ke liye manayi jati hai aur isme jo hai goddess durga durga jo mata hai unki puja ki jati hai durga devi ki unki puja ki jati hai और ये ऐसा period होता है कि इसे जो है एक नया काम शुरू करने के लिए एक अच्छा समय माना जाता है ऑस्पिशियस टाइम इसे जो है हम कहते हैं ऑस्पिशियस टाइम मतलब एक अच्छी शुरुआत के लिए समय होता है इट इज़ सेलिब्रेटेड ट्वाइस अर ट्वाइस मतलब टू टाइम्स यानी कि वन ईयर में इसे जो है टू टाइम्स हम सेलिब्रेट करते हैं ठीक है अगस्त और सेप्टेंबर में एक बार और एक बार करते हैं हम मार्च एंड अप्रैल में ठीक है इन सम प्लेसिस पीपल वर्शिप यंग गर्ल्स कुछ कुछ जगहों पर तो क्या करते हैं यंग गर्ल्स को जो है गॉडेस दुर्गा का जो रूप मानकर जो है उनकी पूजा की जाती है और उन्हें अष्टमी वाले दिन आठवें दिन अष्टमी होती है तो उस दिन जो है उन्हें जो है पूरी हलवा चने और कुछ गिफ्ट देकर जो है उन्हें माँ दुर्गा का रूप मानकर जो है उन्हें जो है पूजा जाता है ठीक है आगे पढ़ेंगे हम इन वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन पूजा पंडाल्स आफ्टर द सेलिब्रेशन द in a आर टेकन इन एंड a इन पॉन्ड or a रिवर ठीक है जैसे कि हमने गणेश चतुर्थी में पढ़ा था तो ऐसे ही नवरात्रि तो गुजरात में कहते हैं इसे जैसे कि और जगह पे नवरात्रि कहते हैं बट वेस्ट बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते हैं तो वहाँ पर जो है इनकी पूजा जो है पंडाल में की जाती है बड़ी सारी एक आइडल लेकर तो वहाँ पर एक पंडाल बनाकर स्पेशल वहाँ पर जो है इनका पूजन किया जाता है और आफ्टर द सेलिब्रेशन आ, सेलिब्रेशन के बाद जो इनकी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड आइडल्स होती हैं इनकी मूर्तियाँ होती हैं सजी हुई उन्हें उसी तरह से गणेश चतुर्थी की तरह एक जुलूस के द्वारा एक शोभा यात्रा के द्वारा इमर्ज कर दिया जाता है यानी कि पौंड और रिवर में ठीक है एक पौंड या रिवर में इनकी जो मूर्तियाँ उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है द स्पेक्टेटर्स

तो जो पॉन्ड था वो उन्होंने कैसे बनाया था कैसे क्रिएट किया था पॉन्ड वहाँ पर स्टेज पर लाइट ब्लू कलर की सारी इसके साथ तो उसे देखकर जो, जो है स्पेक्टेटर्स ने क्लैप किया तालियां बजाई नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा आर सेलिब्रेटेड एज दशहरा इन नॉर्दर्न इंडिया हमारे उत्तरी भारत में नवरात्रि और दुर्गा पूजा को जो है दशहरे के रूप में भी मनाते हैं द सेलिब्रेशन कंटिन्यू फॉर सेन डेज और ये सेलिब्रेशन जो है लगातार दस दिनों तक चलता है द फेस्टिवल एंड्स वेन द एफीजिस ऑफ रावणा कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर सेट अ फायर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड अवर इविल नवरात्रि और दुर्गा पूजा जो है जो गुजरात और वेस्ट बंगाल में हमने पढ़ा अभी अभी तो उसे जो है नॉर्दर्न इंडिया में हमारे उत्तरी भारत में दशहरे के रूप में मनाते हैं और ये जो है सेलिब्रेशन टेन डेज तक चलता है और जब एंड होता है इसका दसवें दिन क्या होता है नाइन्थ डे हम मनाते हैं एज़ यू नो you know, रामनवमी के रूप में और उसके बाद जो है टेंथ डे को हम जो है दशहरा होता है दसवें दिन तो उस दिन जो है रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो एफजिज़ होते हैं एफजिस मतलब पुतले जो कि जो है किसी भी इंसान के रूप में जो है कागज़ या किसी और चीज़ से बनाए जाते हैं इंसान का जो बनाया जाता है पुतला उन्हें जो है जलाया जाता है इस दिन और इस दिन जो है इसे अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत के रूप में मनाया जाता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही आप लोग खुद भी इस लेसन को रीड करेंगे कम टू द डू यू नो साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश सेलिब्रेट नवरात्रि एज बोमाई कोल्लू व्हेन दे डेकोरेट देयर होम्स विद डॉल्स साउथ इंडियन स्टेट में लाइक तमिलनाडु कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में नवरात्रि को बोमाई कोल्लू के रूप में मनाते हैं और इस दिन वो क्या करते हैं वे लोग जो है अपने घरों को एक डॉल के साथ सजाते हैं ठीक है डॉल्स जो हैं एक डेकोरेटि डॉल जो लेके उसे जो है अपने घर अपने घर को सजाते हैं तो आई होप आपको जो है ये टू uh, प्रजेंटेशन्स जो क्लियर होगी होंगी एंड फेस्टिवल्स गणेश चतुर्थी एंड नवरात्रि ठीक है टुडे हम टमोरो वी विल रीड अबाउट नेक्स्ट सेलिब्रेशन थैंक यू